हेलो दोस्तों, बीटेक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको यू यूरिका प्लस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस फ़ोन के बारे में बताऊँगा कि आपको इस फ़ोन को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इसके फीचर्स मैं बताऊँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैटरी से स्टार्ट करते हैं। इसका जो बैटरी है, आप देख सकते हैं 2500 mAh की बैटरी है, काफ़ी बड़ी है। डिस्प्ले के हिसाब से दोस्तों कम से कम 3000 mAh इसको रखनी चाहिए, फिर भी चलेगा क्योंकि इसको मैंने यूज़ किया है। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देता है बैटरी का और मैं ये खुद यूज करता हूँ। इसका बैटरी ग्राफ देख सकते हैं आप, 3 आवर चलेगा 37% में दिखा रहा है आपको। और दोस्तों और दूसरी बात इसकी ये है कि इसका जो डिस्प्ले है 5.5 इंच का है, HD डिस्प्ले है। रिजोल्यूशन भी काफ़ी अच्छा है, आप साइड से देखिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी उतना ही अच्छी क्लियर दिखती है। देखिए क्लियर दिख रहा है, चारों ओर से कहीं से भी देखेंगे आपको क्लियर दिखेगा। और जो इसकी दूसरी खासियत ये बात है कि इसका जो कैमरा है दोस्तों, रियल कैमरा 13 MP का है, काफ़ी अच्छा है। 1080p HD रिकॉर्डिंग करता है वीडियो, फ़ोटो भी काफ़ी अच्छा इससे खींचा जाता है। मैं दिखाऊंगा आपको आगे कि किस तरह के फ़ोटो इसके मैंने कैप्चर करके रखे हैं, वो भी दिखाऊंगा और खींच कर भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक मोबाइल रखा और इसके हम फ़ोटोज़ लेंगे। चलिए देखते हैं कि इसका कैमरा का रिजल्ट कैसे है, आपको एकदम लाइव दिखा देते हैं। ये देखिए इसका ऑटो फोकस काफ़ी अच्छा, मुझे ऑटो फोकस लगता है, तुरंत कैचअप करता है, ऑटो फोकस करता है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी भी जूम करने पर काफ़ी अच्छी क्लियरिटी दे रही है। 13 MP का कैमरा है, काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। ये फ़ोन मैं खुद यूज़ किया हूँ और जो देख रहे हैं दोस्तों, ये मैंने फ़ोटो खींचे हैं दिन को, जूम करने पर भी वो फ़ोटो देखो फट नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा फट रहा है, एकदम हल्का सा, उतना भी ज़्यादा नहीं, पर काफ़ी अच्छा है बाकी फ़ोनों से। 6500 के हिसाब से तो इसका जो कैमरा है वो तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। देखिए आप गोट कितनी क्लियर दिख रही है। और दोस्तों इसका जो फ्रंट कैमरे की बात करें तो 5 MP का है, सेल्फ़ी काफ़ी अच्छी आती है। मैं आपको सेल्फ़ी का खींचा हुआ फ़ोटो दिखाता हूँ। ये मैं गैलरी में गया, मेरे कुछ फ़ोटोज़ खींचे हैं मैंने, ये देखिए ये भी जूम करने पर नहीं फटता है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है कैमरा। और आप देख सकते हैं थोड़ा रेड रेड आया है, वो थोड़ा कुछ गलतियों के कारण आया है, बाकी तो ऐसा नहीं आता है। अच्छा है कैमरा, सेल्फ़ी के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी फ़ोन से है जो भी है। और दोस्तों मैं दूसरी बात अब इस फ़ोन के मैं फ़ीचर्स बताता हूँ आपको कि इसके अंदर क्या क्या है इस फ़ोन के अंदर। तो चलिए हम आप एक सॉफ्टवेयर की मदद से आपको बताते हैं जो पूरा रियल रियल बताएगा कि इस फ़ोन के अंदर क्या है क्या नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने सारे, ये कुल मिला के 8 कोर का है, स्नैपड्रैगन है इसके अंदर, ऑक्टा कोर इसका जो प्रोसेसर है। इसके अंदर रैम जो है 2 GB रैम है और इसका जो गीगा हर्ट है 1.7 GHz है दोस्तों। और इसका जो आप देख सकते हैं इसमें सिस्टम में इसका जो लॉलीपॉप है 5.1.1 लॉलीपॉप आपको अपग्रेड मिल गया है। ये लॉलीपॉप पहले इसमें किटकैट आता था, ये दोस्तों नया वर्जन है लॉलीपॉप। और जो इसकी बैटरी है देखो आप, 2500 mAh की है और इसका जो वोल्टेज बता रहा है बैटरी लेवल 36% है अभी फ़िलहाल। और जो इसमें सेंसर है, इसमें सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं कि कितने सेंसर हैं। देखिए 9 सेंसर अवेलेबल ऑन योर डिवाइस। और जो हम बात करें इसकी कैमरे की, तो फीचर्स की बात करें तो इसमें वाईफाई, वाईफाई डायरेक्ट है, ब्लूटूथ नहीं वगैरह वगैरह, ये सब जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं ये सब डायरेक्ट आपको ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा, जो आपको शॉर्टकट में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और इसमें कैमरे की बात करें तो इसमें कैमरा 13 MP रियल है जो मैंने आपको बताया, और आगे का फ्रंट 5 MP से, दोनों का मैंने आपको रिजल्ट दिखा चुका हूँ कि किस तरह का रिजल्ट है उसका। और दोस्तों ये फ़ोन में बस इतना ही,
ये फ़ोन मेरे तरफ से तो अप्रूव हो गया है कि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। 6,500 के हिसाब से मुझे ये फ़ोन यूज़ कर कर मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका जो बैटरी है काफ़ी अच्छी चलती है, कैमरे का जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी अच्छा है, जो इसका लुक है वो भी काफ़ी अच्छा है, और जो रही बात इसकी डिस्प्ले की तो वो भी काफ़ी